आप अगर ट्रेडिंग में नए हो या फिर कुछ टाइम से ट्रेडिंग सीख रहे हो तो मुझे पूरा विश्वास है आप ऑप्शन ट्रेडिंग इस नाम को जरूर सुने होंगे। और एक बिगिनर के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग को सही में समझना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन बस आपको इतना पता है कि जब कोई शेयर या इंडेक्स का चार्ट को देख के लगे कि प्राइस ऊपर जाने का चांस है तब कॉल बाय करना है, और जब लगे प्राइस नीचे जाने का चांस है तब पुट बाय करना है। और अगर सच में प्राइस ऊपर नीचे चला जाता है तो तब 5-10 हजार लगा के जो कॉल पुट अपने बाय किए थे कुछ ही मिनटों में वो कम से कम 60-70% का रिटर्न आपको कमा के दे जाते हैं। लेकिन सच ये है कि बिगिनर ट्रेडर जो 5-10 हजार लगा के ऑप्शंस यानी कॉल पुट बाय करते हैं ज्यादातर टाइम उनका ये कैपिटल जीरो हो जाता है, और इसका कारण है वो ऑप्शन ट्रेडिंग को कंप्लीट समझे बिना ही इसको ट्रेड करने लग जाते हैं। लगभग सभी बिगिनर्स ऑप्शन ट्रेडिंग को ठीक से समझे बिना ही इसमें उतर जाते हैं, और ऐसा करने का पीछे सबसे बड़ा कारण है अट्रैक्टिव प्रॉफिट। 5-10 हजार लगाओ और कुछ ही मिनटों में पैसा डबल, बस इसी चीज बिगिनर को ऑप्शन ट्रेडिंग में नजर आते हैं। बट वो ये नहीं देख पाते हैं कि वो जिस कॉल पुट को 5-10 हजार लगा के अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाने के लिए बाय कर रहे हैं उसी कॉल पुट को जिस ट्रेडर ने उनको सेल किया है वो सिर्फ 5-10 हजार कमाने के लिए इस ट्रेड में 1-1.5 लाख रुपया लगाया है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऑप्शन बाय करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना जा सकता है, लेकिन आप एक चीज सोचिए, कोई चार्ट को देख के आपको लग रहा है ये ऊपर जाएगा और आप 5-10 हजार का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, और सेम टाइम कोई ट्रेडर उसी कॉल ऑप्शन को आपको बेचा 1-1.5 लाख रुपया लगा के, और यहाँ पे उनका बेचने का कारण है उनका एनालिसिस कह रहा है प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं ऑप्शन सेलर के साथ जिनके पास पैसे ज्यादा होता है। एंड सेकेंड, ऑप्शन ट्रेडिंग में सेलर का प्रॉफिट कमाने का चांस ज्यादा होता है। क्यों होता है वो हम आगे जरूर देखेंगे, लेकिन आपके पास ना पैसे का पावर है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके पास जीतने का चांस ज्यादा है, लेकिन ऑप्शन बायर के पास अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाने का चांस होता है। तो ऑप्शन बाय करके अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपके पास ये दो चीज होना ही चाहिए। फर्स्ट, टेक्निकल एनालिसिस का एक डीप अंडरस्टैंडिंग, एंड सेकेंड, ऑप्शन ट्रेडिंग को इन डेप्थ सही में समझना। फर्स्ट पॉइंट टेक्निकल एनालिसिस, इसके ऊपर हम तो वीडियो बना ही रहे एंड आगे और भी एडवांस प्राइस एक्शन आपको सिखाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट ऑप्शन ट्रेडिंग, इसके ऊपर हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं और इस सीरीज का आज ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें आप ऑप्शन को बेसिक से एडवांस तक प्रैक्टिकली आसान तरीके से इन डेप्थ समझेंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को ठीक से समझ गए और चार्ट को ठीक से एनालाइज कर पाते हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सी बाय सेल सिग्नल में आपको कॉल पुट बाय करना है और कौन सी बाय सेल सिग्नल में आपको कॉल पुट बाय करने से बचना है। तो देखिए, कॉल पुट को समझने से पहले ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है इसको आपको समझना है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ही कॉल पुट आता है। ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए मैं आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। जैसे कोई स्टॉक चार्ट को देख के राम नाम का कोई ट्रेडर को लग रहा है प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, और अभी प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, और मान लेते हैं कोई सैम नाम का ट्रेडर को उसी चार्ट को देख के लग रहा है प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। तो एक ही चार्ट को देख के इन दोनों का व्यू कंप्लीट डिफरेंट है और इन दोनों को ही अपना एनालिसिस में पूरा कॉन्फिडेंस है। तो ट्रेडर सैम राम को कहते हैं, एक काम करते हैं, आप मुझे अभी 5 रुपीज दे दीजिए और प्राइस अगर 100 से जितना भी ऊपर जाएगा उतना पॉइंट मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगर 100 के ऊपर प्राइस नहीं जाते हैं तो ये 5 रुपीज मेरा हो जाएगा। और सैम एक टाइम भी फिक्स कर देता है कि 1 महीने के बाद आना और तब हम प्राइस देखेंगे क्या चल रहा है। राम सोच रहा है प्राइस तो ऊपर जाएगा ही, लेकिन अभी मुझे 5 रुपीज देना होगा। तो वो चार्ट को फिर से देखता है और एनालिसिस करता है कि 1 महीने के अंदर प्राइस कम से कम 110 तक जाएगा ही, तो तब सैम को मुझे 10 रुपीज देना पड़ेगा, और क्योंकि उन्हें अभी मुझे 5 रुपीज देना होगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 5 रुपीज। तो मैं 5 रुपीज लगा के 5 रुपीज कमा लूंगा, मतलब 100% प्रॉफिट कर लूंगा। इस साइड सैम सोच रहा है मेरा एनालिसिस के हिसाब से प्राइस 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो मुझे सैम को कुछ देना ही नहीं होगा, अभी जो मुझे 5 रुपीज मिलेगा ये मेरा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी ये दोनों ही एग्री हो जाते हैं उस डील से और एक कॉन्ट्रैक्ट करके राम सैम से उस कॉन्ट्रैक्ट को 5 रुपीज से बाय कर लेता है और सैम कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके 5 रुपीज रिसीव कर लेता है। बस इसी कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट।
अभी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो टाइम फिक्स किया गया उसके अंदर प्राइस जिस साइड भी मूव होगा उसके हिसाब से इन दोनों को प्रॉफिट लॉस दिखाई देगा। और मैं आपको बता के रखूं कि ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का बायर मतलब राम प्राइस ऊपर जाएगा इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और ऐसे अगर राम को किसी चार्ट को देख के लगे कि प्राइस नीचे जाएगा और मान लेते वो 100 रुपीज ही चल रहा है, और वहां अगर सैम कह दे मुझे अभी 5 रुपीज दे दीजिए और एक महीने के अंदर प्राइस 100 से जितना नीचे जाएगा उतना मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगर 100 से नीचे नहीं जाता है तो ये पूरा 5 रुपीज मेरा है, और इस बात में एग्री करके राम अगर सैम को 5 रुपीज दे के कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेता है तो इसको भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, और इसे पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का बायर्स यानी राम यहाँ पे प्राइस नीचे जाएगा इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग का कंसेप्ट इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होता है और वो सभी आपको डीपली समझना होगा। अभी जो मैं आपको समझाया सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझाने के लिए, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्स में कॉल ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सीरीज पसंद आए तो हम और भी बेहतर तरीके से इसको बनाएंगे और ट्राई करेंगे जल्द से जल्द वीडियो लाने का। और जो जो ऑप्शन ट्रेडिंग को सच में सीखना चाहता है वो कमेंट में ऑप्शन ट्रेडिंग जरूर लिख देना, इससे हमें पता चलेगा कि कितना लोग सच में इस सीरीज को सीरियसली देखना चाहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ।